हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणेंद्र सैन व्लॉग्स। और ये हमारे साथ कौन है? रिद्धि कुमारी। ये कौन है? प्रज्ञा। ये प्रज्ञा। तो प्रज्ञा मेरी मौसी की बेटी है। और रिद्धि कुमारी, कौन कहता है कि शादी में दूल्हा आराम से बैठ के मौज करता है? भैया की हालत देख रहे हो, कैसी हो रखी है? पसीना पसीना हो रखा है पूरा। और सुबह से हम किस चीज क्या कर रहे हैं, हम काम में लगे हुए ना। तो ये हमारे साथ प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा क्या कर रही है, रिद्धि को ना पढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर रिद्धि है कि बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। प्रज्ञा, आपने क्या क्या पढ़ाया रिद्धि को अभी तक? टेबल पढ़ाया। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 9 तक। पर रिद्धि ने पढ़ाई की? हाँ, अच्छे से पढ़ाई की। कब की? कल। आज। और आज? आज का समय? आज नहीं। आज नहीं की? आज छुट्टी। आज नहीं की? नहीं करनी है पढ़ाई। इधर देखो। आज रिद्धि मेरे को कह रही है, आपको मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना। देख रहे हो सबके सामने रिद्धि ने क्या कहा है मेरे को। तो बताओ फिर, किसको लेना देना तुम्हारी पढ़ाई से? अगर तुम्हारे बड़ों को नहीं होगा तो और किसको होगा? हाँ, अगर तुम। और सुनो, 2 से 3 दिन में आ रही है, ज्यादा दिन नहीं बचे। इधर देखो, आ रही है तुम्हें सुधारने वाली 2-3 दिन में। और भाभी आएंगी तो इनका फिर क्या होगा? तो बहुत मार होगा, नहीं पढ़ेंगी तो। तो अब रिद्धि को ना जितनी अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो रही है, उतना ही रिद्धि को ना डर भी लग रहा है, क्योंकि अब आने वाली है डॉक्टर उपासना बोहरा। अब रिद्धि पढ़ना शुरू कर देगी। अब रिद्धि, कुछ है पढ़ने का मूड? तो पता है, प्रज्ञा ना सुबह से कोशिश कर रही है, ठीक है, ये मेरी मौसी की बेटी है बनारस से। तो ये बेचारी सुबह से कोशिश कर रही है कि ना किसी तरह से ये जो हमारा तोता है ये तोता हमारा थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। पर तोते ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। तोता सुबह से क्या कर रहा है? घूम रहा है सिर्फ। क्या कर रहा है तोता? इधर देखना बेटा। तोते बोले। क्या बोले तोते? कुछ 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 कुछ। अच्छा रिद्धि सुनो, अभी आप ना फटाफट से डांस करके दिखा दो। आप शादी में कौन से डांस करोगे? अच्छा चलो, दोनों डांस करके दिखाओ कि शादी में कैसे वाला डांस करना है। सीन ये है कि प्रज्ञा को डांस नहीं आता है, पर हमारी रिद्धि कुमारी जो तोता बनी हुई है आज, इनको डांस आता है, ठीक है। ओहो ओहो, अब रिद्धि क्या है ना, रिद्धि रुको बेटा, आप ना आप डांस सिखाओगी प्रज्ञा को, ठीक है। आपकी प्रज्ञा क्या लगेंगी? बहन। दीदू। दीदू। आप अपनी दीदू को क्या सिखाओगे डांस? कैसे? एक स्टेप करके दिखाओ। अबे तू कूड़ा उठाने से तुझे फुर्सत मिले तब तो, जब देखो कूड़ा उठाना है एक दिन। ये कौन सी से क्या खेलेगी? ये कूड़ा है ये। ऐसे बोलते हैं भैया से हैं? पूरी जिंदगी तुम्हारा कूड़ा उठाने में निकल जाएगी। चलो वहां पे चलो, एक दिन कूड़े वाली गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। ओहो शाबाश, आए हाय, क्या बात है रिद्धि, ये टनने। ओहो, अब रिद्धि, दीदी को बोलो दीदी भी ऐसे ही करेंगे। दीदी करो, दीदी करो ये। ओह 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 ओह, धीरे करो बेटा। ओहो ला ला ला, टूट टूट, क्या बात है रिद्धि, कहाँ से सीखा रिद्धि ये? दीदी कहाँ से सीखा है बेटा ये? ऐसे होगा, चलो वो। ओहो ये कहाँ से सीखा बेटा? ये इनकी माता श्री आ गई है, ठीक है। ओहो, कैमरा दिखते हैं कैसे चेहरे पे खुशी आ गई। बताओ मैं क्या कैसा चेहरा हो रखा, बिल्कुल ही उतर गया मैं भाई। आज गई थी पूनम के यहाँ अटैची लेने के लिए, तो बोली दीदी कैसी आप हो गई? मैं बोली क्या करें, बहू रानी आ रही है ना, टेंशन में पता नहीं कैसी आएगी। तो बोली बहू रानी की तो टेंशन मत करो, बहू रानी तो बहुत अच्छी आई,
नहीं तुम्हें तुमने कहा कि कैसी आएगी पता नहीं। मैं तो मजाक की बैंक सी ना, मजाक अच्छा। की ना कि भाई टेंशन में बहू आने वाली है ना तो टेंशन तो होगा ही, बहू आने वाली है तो टेंशन तो होगा ही। कैसे चेहरा पूरा उतर गया बिल्कुल, इतनी कूद रही हूँ इतनी दौड़ रही, चेहरा नहीं उतरेगा बताओ रहेगा। परसों मम्मी को बारात जाना और मम्मी का चेहरा देख रहे हो तो यार, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मेरे फादर भी सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक है मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, तो घर में ना और कोई करने वाला है नहीं। और एकदम से क्या हुआ कि 10 दिन पहले ही डिसाइड हुआ, अब 10 दिन के अंदर सारा का सारा यहाँ पे अरेंज करना, सबसे बातचीत करना, इतनी भयंकर गर्मी, इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलना, ठीक है फिर सारे के सारे रिलेटिव्स बनारस वगैरह से आना, उनको अटेंड करना, ठीक है इतने गर्मी में बाहर दौड़ धूप करना, दौड़ना सामाने खरीदना लिया, इस धूप में खुशी कितनी है भाई, खुशी तो है। अच्छा और इनको आज गर्मी लग रही है तो मम्मी ही चाहती थी कि फटाफट से शादी हो जाए, बार बार मम्मी कहते हैं बेटा चाहे कैसे भी करो, चाहे मंदिर में कर लो पर फटाफट से कर लो। भाई मम्मी को तो जल्दी था, इसलिए था कि बेटी मेरा वहाँ दुख फैमिली के साथ होती तो मेरे को नहीं दिक्कत होती, फैमिली साथ में नहीं था, बेटी घर खाली कर दी थी, घर खाली करने के बाद मुझे परेशानी हो रहा था, अब वो कितनी दिक्कत में हो कैसे आती हो। और मम्मी इनके इनके क्या सुधार के चांसेस हैं, इनके पास आजादी के बस 2 से 3 दिन बचे, आ जाओ बेटा इधर आओ एक बार, मेरा बेटा सुधार लिएगा, मेरा बेटा गुड्डू गुड्डू है ना, बेटा गुड्डू गुड्डू है ना, रिधि इधर आओ एक बार, थोड़ा सा बदमाश है मेरा बेटा, थोड़ा सा बदमाश है, थोड़ा सा बदमाश है, थोड़ा सा बदमाश है, कितने बदमाश है बेटा, ओ कितने बदमाश है बेटे, थोड़ा सा। तुम यो फाइनली सारी तैयारी हो गई है? हाँ हो गई तैयारी पूरी, कल जम के इंजॉय करना है, डांस करना है, हाँ, कल संगीत है, हाँ, कल संगीत है, तो हमें डांस वांस का स्टेप सीख लिया कुछ कुछ, हाँ देखो इसी कमर हाथ पर ऐसे इसकी कैसे कैसे अच्छा जी सुनो, देखो मम्मी को नहीं आता है, एक 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 स्टेप करके हाँ, इधर हो जाओ ठीक है, दूसरे कमर पे ऐसे 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 पॉइंट करने लगो, देखो एक मिनट में इनको सिखा दूंगी। भैया आपकी यार लीड रखी हुई थी वो कहाँ गई? बेटा दो आपने जो छुपाई है उम्र को दो, मैं बता दूं कहाँ छुपाया, तकिए के पीछे। तो ये हमारी रिधि कुमारी, इधर आ जाओ बेटा एक बार फ्रेम में, ठीक है ये सबको और डांस करना सिखा रही हैं। तो अभी क्या हुआ, प्रज्ञा ने ना इनको इन मैडम को कहा पढ़ने को कि चलो रिद्धि मैं ना तुम्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है, और तब से ना मैम का क्या हुआ मुंह उतर गया है पढ़ने के नाम पे। अब चलो अब एक काम करो प्रज्ञा, आप रिद्धि को लेकर जाओ ऊपर और इनको 2 से लेकर 9 तक टेबल लर्न करवाओ, ठीक है okay. कितना करवाना है? 2 से 9 ठीक है, पक्का रिधि हो जाएगा, चलो डन yes. कर दो एक बार, डन करो डन बेटा, ऊपर होता है ये नहीं होता, सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारा, ये होता है डन, ये डन डन हो जाएगा, प्रॉमिस करो नहीं करोगी, गुड गर्ल है रिधि, चलो शाबाश रिधि, प्रज्ञा जाओ ले जाओ, मैं अभी करता हूँ मेरे को, जाओ प्रज्ञा ले जाओ इसको ऊपर, जाओ ऊपर बैठ के 2 से 9 चलो टाटा बाय बाय कर दो, अब हम कल के ब्लॉग में रिद्धि को दिखाएंगे 2 से 9 तक रिद्धि से सुनाएगी, ठीक है डन डन बेटा, ठीक है पढ़ने के नाम पे देख रहे हो, चलो वैसे ही 2-3 दिन बचे हैं, जाओ आराम से पढ़ लो, मैं नहीं करूं। करना है बेटा, चलो जाओ गुड गर्ल है रिद्धि, अभी जाओ फटाफट, सब देख रहे हैं इस वीडियो को, सब कहेंगे रिद्धि तो बैड गर्ल है। तो यार सिर्फ फाइनली 2 दिन बचे हैं और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे दिन भाग दौड़ में यार पता नहीं चल पा रहा, ठीक है दूल्हे की सबसे गंदी हालत हो रखी है, ठीक है क्या फेशियल का ग्लो बचेगा यार, पूरे टाइम भाग दौड़, कभी ये लेके आना कभी वो लेके आना कभी उसको वहां से लेके आना कभी उसको रास्ता बताना, बट यार एंड में जाके हर एक चीज हो चुकी है। अब फाइनली कल हमारे कुछ फंक्शंस है हल्दी वगैरह के, लड़कों के ज्यादातर फंक्शंस होते नहीं है, हल्दी का है संगीत का है, फिर जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वंस हैं उनको इनवाइट किया है लंच पे, एंड उसके बाद परसों फाइनली
डी डे। तो यार जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं आएंगी। तो यार जो भी पुरानी वीडियोस हैं, अगर मन करे यार देखने का तो उनको दोबारा से देख लेना, शेयर कर देना, एंड यार कीप सपोर्टिंग। आप लोगों के बिना यार हम कुछ भी नहीं है।